खुशी जिसने मांगी वो धन लेके लौटा, हंसी जिसने मांगी चमन लेके लौटा, मगर प्यार को ढूंढने जो चला वो न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। प्यार में सब कुछ समर्पित हो जाला, वो प्यार के समर्पण के साथ हम विजया भारती रउआ सबके प्रणाम करतानी, गुड मॉर्निंग कहतानी, सुप्रभात कहतानी। और देवर जी और हम अजीत आनंद भी आप सबन के गोड़ातनी प्रणाम करतनी और बिहाने बिहान में स्वागत करतनी। और भगवान के कृपा से आज की भी सुबह हमनी के आप सबन के सामने हाजिर बनी जा। और भौजी और देवर जी, हम ये चाहता नहीं कि पता ना अजीब तरीका के आज सुबह सुबह एकदम मन मिजाज बनल बा, और आपके टीका देख के तो हमारा और कुछ अलग फीलिंग हो रहा बा, तो आपके मुँह से एक भजन हो जाए, लेकिन ओकरा से पहले जरा कार्यक्रम के आज के झलकी हो जाए। जी हाँ दर्शक लो, अभी भजन भी गायम जा, लेकिन उससे पहले आज के कार्यक्रम के विशेष आकर्षण के एक झलक। बंध के बारे में बतावे जा रहा बनी। सब कहेला बहुते सुघर बाड़ू तू चोना लागे न काची। डॉक्टर अनिल जोशी, उनका द्वारा कैल गैल काम खातिर राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री के सम्मान दिहल गैल बा। आज मैं बताने वाला हूँ कि दांतों में पैरिया क्यों होता है और पैरिया क्या चीज है। जगत में उजाला हरि भक्तों का है मन में शिवाला। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू, तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार, धूल तेरे चरणों की ले कर साकार किया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं।
वाह, बहुत अच्छा देवर जी, बहुत बढ़िया। एकदम भक्तिमय मन मिजाज के साथ और शिव के आराधना श्रद्धा भक्ति से जीवन के साकार करे के प्रार्थना करला के बाद अब सेहत सुधारे के बात कहिल जाओ और हमनी के ई कहब कि आई हमनी के साथ मिलजुल के कर ली योग। आज आप लोग के योग के वो नया विधा बंध के बारे में बतावे जा रहा बनी। जैसे पानी के रोक के, नदी के पानी के रोक के बांध बनाई के ओकरा से बिजली पैदा कल जाला, इच्छित अपेक्षित जौन कार्य बटे ओकर सिद्धि कल जाला, वैसे ही शरीर में बंध के अभ्यास से, बंध लगा के अभ्यास करके एकरा से ऊर्जा के सही दिशा में लगा दिया जाला, जोना से अपेक्षित और इच्छित जोन फल बटे तो उनके प्राप्त कर जा सकेला। एकरा में मूल बंधवा, जालंधर बंधवा, उड्डयन बंधवा और महाबंधवा। अभ्यास पहले जालंधर बंध के कल जाई। जालंधर बंध में लंबा गहरा सांस ले के और ठुड्डी के कंठ खूब से लगावे के बाद घुटना के ऊपर हाथ सीधा, एकरा के सीधा अर्ध पद्मासन सुखासन और ज़्यादा अच्छा वज्रासन में हो सकेला। एक बार एकरा के सुखासन में कैला के बाद वज्रासन में अभ्यास के देखावल जाता कैसे कल जा सकेला। धीरे धीरे फिर गर्दन के सीधा कई के असांस लंबा छोड़े के बाद अभ्यास के एक बार वज्रासन में असीना ठुड्डी के कंठ कूप में लगा देवे के बाद हाथ बिल्कुल टाइट सीधा। ये अभ्यास के कैला से पूरा के पूरा विशुद्धि चक्र के जागृति होला। एकरा में ध्यान हमेशा ईजा कंठ कूप पे ईजा विशुद्धि चक्र पर रहे के चाहिए। एकरा कैला से थायराइड और पैरा थायराइड की जितना हार्मोनल डिसबैलेंस बा सब समाप्त हो जाला। लेकिन कुंभक के अभ्यास चूँकि एकरा संगे जुड़ल बा तो जे हृदय रोगी होके, जे ब्लड प्रेशर के पेशेंट होके, ओकरा ई बहुत योग्य गुरु के हो मिले ओकरा सानिध्य में ही करे के चाहिए। आ कुंभक के अभ्यास जबरदस्ती ना करे के चाहिए, ये बात के हमेशा ध्यान रखे के बा। धीरे धीरे फिर गर्दन सीधा, सांस छोड़े के बा। जालंधर बंद के अभ्यास से चूँकि थायराइड के प्रभाव पूरा शरीर के ऊपर बा, जो बहुत ज़्यादा मोटापा के शिकार बा, जो बहुत ज़्यादा दुबला बटे ओकरा में थायराइड के कारण हो सकेला कि थायराइड के हार्मोन गड़बड़ाई लोक है, ऊपर नीचे भय लोक है, या तो ज़्यादा सिक्रीशन होथोक है चाहे कम सिक्रीशन होथोक है। ये दोनों अवस्था के सही करे खातिर जालंधर बंद के अभ्यास सबसे ज़्यादा उपयुक्त बटे। वाह जी वाह, योग कैला के बाद एकदम तंदुरुस्ती मिल गए। लेकिन दर्शक लोग अब अपना भौजी से पूछा था नहीं कि भौजी का व्यवस्था है, का है यहाँ पे व्यवस्था गाय की का? एकदम सच्चे दिल से कहे ना तो एकदम इतनी अच्छी व्यवस्था है कि स से शिव के आराधना करनी, श्रद्धा भक्ति से साकार करनी। और अब जो स से सुशांत नाम के कलाकार के स से शिवान से बुला के यहाँ पर बैठाए के बा। शिवान के सुशांत, हाँ, और वही है सौ से सुर संग्राम पार्ट टू के जे कलाकार रहने। चलिए दर्शक लो अब बेचैनी हो गई बटे, जल्दी बुलाओ जाओ। जहिया बिहसी कलीता चटक बे करी आ देखे वाला के मनवा बहक बे करी। चाहे बगिया में कितनो संहरी के चला आकांट बाटे ताचरा अटक बे करी। अरे सब कहेला कि बहुते सुघर बाड़ू तू हो,
सब कहेला कि बहुते सुघर बाड़ू तू टोना लागे ना कांची उमिरिया में टोना लागे ना कांची उमिरिया में सब कहेला बहुते सुघर बाड़ू तू टोना लागे ना कांची उमिरिया में टोना लागे ना कांची उमिरिया पवलू सराबिना ताकल करा नैना पवलू सराबिना ताकल करा रूप के रानी छत सेना झाकल करा रूप के रानी छत सेना झाकल करा हो अरे जेने ताकेलू अन्हरियों में अजोर हो जाला कवनो जादू भरल बा नजरिया में कोनो जादू भरल बा नजरिया में सब कहेला बहुते सुघर बाड़ तू टोना लागे ना कांची उमिरिया में 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 वाह जी श्रृंगार रस के भरल सूर के बाल्टी लेके आज बिहाने बिहाने यानी कि सवेरे सवेरे बिहाने बिहाने के आंगन में आयल बनी सिवान जिला से बिहार से सुशांत जी चलिए यहाँ के स्वागत कर जाओ भाई और आपके नमस्कार जी भैया नमस्कार नमस्कार जी आपके बारे में जैसे हम बतानी है कि आप सिवान के बानी लेकिन वो सब जगह गाँव के नाम बताइए आपके गाँव के खासियत का बा आपके परिवार में हम सहलौर के रहने वाला हैं सिवान जिला के सहलौर गाँव के और हमारे गांव के वैसे ही बहुत ज्यादा नाम बा हमारे गांव में बहुत बड़ा एक महावीर मंदिर बा जो तीन चार जिला में बहुत फेमस बा अच्छा। इस हमारे गांव के सब बहुत प्रसिद्ध चीज है वहाँ गांव में रहते हुए संगीत के यात्रा जीवन की शुरुआत कैसे करनी बचपन से पिताजी हमारे गाँव रहनी और पिताजी कहीं शौक रहे कि वहाँ के गायकी में वहाँ के बहुत आगे जाएं पापा के नाम हाँ पापा के नाम श्री योगेंद्र प्रसाद अस्थाना और वहाँ के जब गावत रहनी लेकिन थोड़े दिन बाद जब हमने के थोड़ा बड़ा बहने सन तो पापा के सांस के कुछ तकलीफ हो गई सांस के कुछ बीमारी से लेके तो वहाँ के सपना अधूरा रह गए तो हमारा बचपन में मन ना रहे कि हम गायकी के क्षेत्र में आ गए लेकिन हम पापा के अधूरा सपना के पूरा करे खाती मेहनत के शुरू करें अच्छा इस सपना के बाद कैसे कैसे आगे बढ़ल एक पर हमने के आगे बातचीत करब लेकिन अभी समय हो गई बा कि हमने के वो कार्यक्रम जानी जेकरा देख के आप लोग के हैरत हुई आश्चर्य हुई और कहा मुंह से कहा कि वाह अजब गजब कुछ लोग बचपने से जुझारू होले और ऐसन लोगन में बचपने से कुछ अलग करे के चाह होला ऐसने एगो शख्स हुए डॉक्टर अनिल जोशी जोन देहरादून के रहे वाले हुए डॉक्टर जोशी के उनका द्वारा कैल गैल काम खातिर राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री के सम्मान दिहल गईल बा डॉक्टर जोशी आपन जिंदगी ग्रामीण विज्ञान के विकास खातिर समर्पित कर देहले बाड़न पहले पहले जब ग्रामोन्मुखी विज्ञान के बात की जाती है तो वे स्वीकार नहीं की जाती हैं किसी भी स्तर पर गांव के स्तर पर भी कि उसका सीधा सा कारण है कि विज्ञान को हमने अलग थलग एक ऐसा नाम दे दिया कि समाज ग्राम समाज खास तौर से उसे ये महसूस होता है वो उसको असहज महसूस करता है विज्ञान और तकनीक की बात जब उसके साथ की जाती है डॉक्टर जोशी के सबसे अहम खोज पारंपरिक घराट के छोट बिजली घर में बदल दिहल हो
की तकनीक आज पूरे उत्तराखंड के सैकड़न गांव में इस्तेमाल कैल जाला और झरना से बहकर आवे वाला पानी से बिजली बनावल जात बा। दूसरी बड़ी बात जो इसमें हुई है गांव के द्वारा कि उनके जो तमाम संसाधन थे, जो परंपराएं थी, जिनको अनदेखा कर गया था, उदाहरण के लिए घराट, जो कि करीब 2 लाख घराट इस हिमालय क्षेत्र में है, जो पंचक्की है जिससे कि परंपराओं में आटा पिसाई का काम होता था, लेकिन आज उनका उन्नयन हुआ, उनमें नई तकनीकी आई, वे बिजली भी पैदा करते हैं, वो धान की कुटाई भी करते हैं, वो तेल पिराई करते हैं, वो कॉटन कॉम्बिंग करते हैं और अन्य जो भी कार्य स्थानीय संसाधनों को लेकर के हो सकते हैं उन्होंने किया। डॉक्टर जोशी द्वारा बनावल गईल इस छोट बिजली घर के वजह से कई गांव रोशन होत बा। डॉक्टर जोशी छोट बिजली घर के अलावा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय काम कैले बाड़े। हमने पानी को लेकर कई प्रयोग किए हैं, जैसे कि धारों में जो पानी सूख गया था तो किस तरह से उन धारों में दोबारा पानी आ सकता है, एनवायरमेंटल आइसोटोप एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया और ये तमाम जो छोटे छोटे प्रयोग जो छोटे हैं, गोबर को लेके, गोबर हर घर गांव में एक टिकली को लेके बनाया जाता है लेकिन उसमें कई नए विज्ञान को हमने नहीं जोड़ा था, तो गोबर के बेहतर उपयोग क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह से उससे जुड़ा हुआ चूल्हा हो सकता है, कैसे वो ब्रिकेट बन सकती है, इस तरह के तमाम छोटे मोटे प्रयोग जो हेस्को ने अपने इस 30 साल की यात्रा में किया है। डॉक्टर जोशी हेस्को नामक संस्था के स्थापना कैले और ग्रामीण लोगन खातिर नया नया वैज्ञानिक तकनीक के विकास कैले हुए। डॉक्टर जोशी के पद्मश्री के अलावा अन्य अनेक सम्मान से भी सम्मानित कैल जा चुकल बा। विशेष प्रतिभा देखला के बाद अब हमने के उ प्रतिभा से आप लोगों के फिर से एक बार मिलाएं कि हमने के साथे बैठल बनी सुशांत जी, जे सिवान के सहलौर गांव के रहेला बनी। सुशांत जी, फिर जब आगे आप संगीत तय कनी के हमरा गावे के बाद कहाँ शिक्षा वगैरह भइल गांव में ही? शुरुआती शिक्षा तो पिताजी से ही सुगम संगीत के कुछ थोड़ा बहुत जानकारी लेनी, ओकरा बाद शास्त्रीय संगीत पापा हमरा के सीखे खातिर बिना पानी संगीत महाविद्यालय सिवान में एडमिट करा देनी, एडमिशन हो गई। ओकरा बाद उस सफर हमार तय भइल और पंडित श्री राम प्रकाश मिश्र से बनारस घराना में तक जाके हम सीखनी। अच्छा। और फिर शास्त्रीय संगीत से हम बीएड कैनी प्रभाकर प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से, गायन और तबला दोनों से। सुशांत बाबू, अब आपसे आगे बात करी जा, कैसेट से तब तक निकल की ना? अभी कुछ दिन में आ रहा हुआ कैसेट भोजपुरी गजल के दिल के दर्द नाम से। दिल के दर्द? अरे वाह। और सावन में भी कांवर के कैसेट करल बनी। आप उन्हें बीसीए की तरफ या कंप्यूटर की तरफ टाइम दे पाओ नहीं कि ना? अभी उतना टाइम ना दे पाओ नहीं, थोड़ा बहुत कंप्यूटर घर में अपन प्रैक्टिस करे नहीं, बाकी ज्यादा समय रियाज पे ही। रियाज के जब बात भइल बा तो एक प्रैक्टिकल एकदम सामने में प्रत्यक्ष रियाज भी हमने के देख ले हल जाओ का, यानी कि हमने के गाना सुने, एक गाना सुने के बाद। आर धक से दिलवा धड़क जाला छुवला पतन, आ कुछो गड़बड़ बुझाला कहेला ई मन, हमरा ओरिया केहू जब बढ़ावे कदम तलाज के मारे घूंघट गिरा दिला हम, आरे रोआ गन गनाए रे लागा, हो आरे रोआ गन गनाए लागा, छू दे लगा लाई हो सवरियोला, अरे रोआ गन गनाए लागल हो, आ रोआ गन गनाए लागल, आ छू दे लगा लाई हो सवरियोला, मेकअप कैल भइल हमर काल आई हो सवरियोला, मेकअप कैल भइल हमर काल आई हो सवरियोला, रोआ गन गनाए लागल, रोआ गन गनाए लागल, छू दे लगा आई हो सवरियोला,
मेकअप कैल भइल हमर का आई हो सवरियोला मेकअप कैल भइल हमर काल आई हो सवरियोला बुलावत नहीं रही हम तोरा एही से बुलावत नहीं रही हम तोरा सजल धजल देख के उठावे लग बकोरा उठावे लग बकोरा सजल धजल देख के उठावे लग बकोरा उठावे लग बकोरा दाना डाले लगवा सैया दाना डाले लगवा राजा बिछावे लग बजाल आई हो सवरियोला दाना डाले लगवा सैया दाना डाले लगवा राजा बिछावे लग बजाल आई हो सवरियोला मेकअप कैल भइल हमर काल आई हो सवरियोला मेकअप कैल भइल हमर काल आई हो सवरियोला रोआ गन गनाए लागल रोआ गन गनाए लागल छूटे लगाल आई हो सवरियोला मेकअप कैल भइल हमर काल 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 आई हो सवरियोला बहुत सुथर बहुत सुथर अजय पांडे जी के गावल गीत और ये गीत के सुन के कहल जा सकेला कि एकदम श्रृंगार के सुकुमार स्वरूप के सुशांत के आवाज में सुन के हाँ, बड़ा मन सुरीला हो गया गईबो कैला भाई बहुत अच्छा बहुत बढ़िया मुर्की उर्की लगा के और सुशांत जी आपसे बात करम जा लेकिन पंडित जी आगल बने जे आप लोगन के दिन भर के समाचार बताए हम अपन कार्यक्रम ग्रह गोचर में शुक्रिया पंडित जी धन्यवाद और दर्शक लो ऐसे ही आप लोग जुड़ा नहीं हमने के पंडित जी के साथ है और अभी जुड़ा नहीं हमने के सुशांत बाबू के साथ है और सुशांत जी से जुड़ते हुए पूछे तानी कि आपके पहला प्लेटफॉर्म कहाँ मिलल अपना करियर में संगीत के दिखावे के हमरा करियर में हमरा जन जीवन में जन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अभी तक के वो मैं सुर संग्राम के रहल चले थे सुर संग्राम से जुड़ल बातचीत के हमने के डिटेल में और आगे जाना एक सवाल यहाँ पे बना था कि आपके यहाँ तक पहुँचावे के पहले आपके इर्द गिर्द आपके संबंधी आपके दोस्त के रहुए हेल्प आपके कैलस बहुत सब प्रोत्साहन था हमारा परिवार के पूरा मिलल हमारा भैया के हमारा पापा के हमारा माँ के सब लोग घर में सब लोग प्रोत्साहन दे पहले हिंदी जब गावत रहनी जब शास्त्रीय संगीत सीखत रहनी जी। तो भोजपुरी में उतना इंटरेस्ट ना आवे पता ना कहे अश्लीलता के देख के मन ना करे कि भोजपुरी गाएं अच्छा। लेकिन हमारे माननीय श्री नाना जी बानी श्री मनोज श्रीवास्तव भोजपुरी संसार के संपादक बानी अच्छा। और वहाँ के हमारा के भोजपुरिया रंग में ऐसा रख देने कि सुशांत तू आवा भोजपुरी में देखा में भी बहुत अच्छा चीज हो सकता सही बात और भाषा भोजपुरी इतना मीठा है में अच्छा चीज गावा और तब हम भोजपुरी प्रयास कर लगनी ये तो अपना पर निर्भर करेला कि हम अश्लीलता के तरफ जाए कि श्रृंगार के तरफ जाए कि कौन तरीका से श्रृंगार के सीमा में बांध के गाए अपना पर निर्भर करें अच्छा कहनी क्या कहनी तो यही स्वागत करते हुए आपके हमने के एक गाना के यहाँ लालच बटे जी जी भैया गजब गजब के लोग बजग में स्वार्थ भइल समाज हो दुख में कहा बा केहू संगतिया ई दुनिया में आज हो
हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। बनला के दस गो साथी बिगड़ला के कोई ना, आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना, हो बनला के दस गो साथी बिगड़ला के कोई ना, आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना, भाई के हाथ में हाथ हाथ से हाथ छोड़ देला, भाई के हाथ में हाथ हाथ से हाथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, साथ छोड़ देला, साथ छोड़ देला, साथ छोड़ देला, साथ छोड़ देला। दुनिया का सच्चाई अब कौन है कि हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, बिल्कुल सही बात बा। सब लोग के साथ आए दिन तमाम दर्शक लोग में बहुत लोग हुई जकरा साथे ऐसा घटत हुई, अभी जब जब आप गाना सुनम तब लागे के सच्चा सुशांत सबके साथ होला, जिंदगी में कहीं ना कहीं सबके साथ होला, एकरे नाम जिंदगी बा, सुख और दुख के छांव। लेकिन सुशांत जी आपके गायकी से एकदम मन बहुत प्रभावित भइल और निश्चित रूप से आपके उज्जवल भविष्य के कामना करना एकदम हक बा आपके एकदम। और एक बार साथे साथे हमने के दर्शक लोग के तरफ से और हमने के अपना तरफ से आपके आवे के न्योता देता नहीं जा, स्वीकार बाटे जी बिल्कुल, आ जाइला खातिर आपके धन्यवाद और प्रणाम जी, प्रणाम दर्शक लोग भी हमारे प्रणाम जी। हाँ दर्शक लोग, तो यहाँ के सुशांत जी से आप सबन के मिलके बहुत अच्छा लागल हो हमने के उम्मीद करता नहीं जा, और अब बारी बाटे नेक सलाह, रउआ सब तैयार हो जाए ले खातिर नेक सलाह। आज मैं बताने वाला हूँ कि दांतों में पैरिया क्यों होता है और पैरिया क्या चीज़ है। अक्सर देखा जाता है कि हमारे दांतों में कई तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं और हम लोग जान ही नहीं पाते कि वास्तव में क्या चीज़ है। तो आज मैं आपको दांतों की एक बीमारी पैरिया के बारे में बताना चाहता हूँ। पैरिया का मतलब होता है दांतों से खून निकलना, मसूड़े फूलना, ठंडा या गर्म पानी लगना, और इसके अलावा बदबू आना। ये सब पैरिया के लक्षण हैं जो हमें समय समय पर प्रतीत होने लगते हैं, और इन पैरिया की वजह से कई तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। इस पैरिया से हम कैसे बचें, पैरिया से बचने का क्या तरीका है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले पैरिया से बचने का सबसे अच्छा तरीका है, आप सुबह उठिए और सुबह उठने के बाद ठीक तरह से कुल्ला करिए। कुल्ला करने के बाद आप ब्रश करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हमें ब्रश करने के लिए पानी में भिगो देना चाहिए इसको, और ब्रश नरम हो जाएगा। नरम होने के बाद इसमें आप आधा पेस्ट लगा देंगे,
जरूरी नहीं कि इसमें आप पूरा पेस्ट लगाएं। आधा पेस्ट लगाने के बाद आप दांतों के ऊपर तिरछा रख देंगे। तिरछा रखने से दांतों और मसूड़ों के बीच में जो भी पैरिया फंसा होगा और जो भी गंदगी फंसी होगी वहाँ पर आप ब्रश रख के तिरछा धीरे धीरे इसको आगे पीछे कर सकते हैं। आगे पीछे करने से ये होगा तो दांतों और मसूड़ों के बीच में जो गंदगी है वो ढीली हो जाएगी, हमें ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसको हम घड़ी की तरह घुमाएंगे, सीधा और उल्टा घुमाएंगे और गंदगी को हम धीरे धीरे निकाल देंगे बाहर। तो इस तरह हम अच्छी तरह से ब्रश करके पारिया से छुटकारा पा सकते हैं। और इसके अलावा हमें माउथवाश भी यूज करना चाहिए, सुबह और रात में सोते समय दो समय हम माउथवाश यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा पैरिया होता है जैसे कि दांतों और मसूड़ों से खून निकलने के अलावा भी इतनी गंदगी जम जाती है दांतों में कि भूरी परत, लाल परत या काली परत के रूप में दांतों पे हमारे चढ़ जाती है। उसको साफ़ करने के लिए हमें दंत रोग विशेषज्ञ के पास जाना पड़ता है, उनसे मिलना पड़ता है और हर 6 महीने बाद दांतों की सफाई कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप दांत साफ़ रखेंगे तो पैरिया बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए दांतों के डॉक्टर के पास जाइए और उनसे आप मिलिए और दांत साफ़ करवाने के लिए या दांतों में पैरिया है कि नहीं इसके लिए आप उनके पास जाके उनसे आप पता कर सकते हैं कि किस तरह से हम दांतों का बचाव करें अपने। बहुत बढ़िया, नेक सलाह से अब आगे बढ़ा तनी सा और बढ़ा तनी सा आप लोगों के भेजल सलाह के पढ़े के तरफ। बिल्कुल, यहाँ के लिखत है कुलदीप जी, लिखत है शक्करपुर दिल्ली से। अच्छा अच्छा। लिखत है अजीत भाई और विजय भाव जी, नमस्कार प्रणाम। नमस्कार प्रणाम। लिखत है साथे साथ बिहाने बिहाने की जय हो। जय हो, आपके भी जय हो। यहाँ लिखे थे कि हम पूर्वांचल एक्सप्रेस एक नेट की न्यूज बांटे जमना के चलायो नहीं और साथे साथे आपके बिहाने बिहाने के नियमित दर्शक हैं, बहुत अच्छा लगेला। सबसे अच्छा तो ई बात बाकी आप देवर भौजी बड़ी प्यार से नोक झोक करे नी, तो हम आप सबन के ढेर सारा बधाई देता नहीं कि ऐसे ही कार्यक्रम की आप लोग चमकौले रखे। का बात बा, आपके शुभकामना खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और हम देवर भाभी के नोक झोंक से अगर आप लोग के मनोरंजन होला, बातचीत से अगर मनोरंजन होला, अच्छा लगेला, तो हमने कैसे ही लड़ते झगड़ते जिंदगी बिता देव और का करो का देव। हाँ हाँ बिल्कुल, जुड़ा रही हमने के साथे ऐसे ही प्यार के बरसात अपन करत रही लो। ठीक बात, ई कामना करत है हम, हमारा तो कर्म में लिखल बा रोज लड़ाई झगड़ा, लेकिन रउआ सब खातिर कामना करतानी कि आज के दिन 8:30 बजे के बाद आप लोग के बहुत अच्छा हंसी खुशी और कामयाबी में बीते काल मिले के वादा करते हुए हम विजया भारती की तरफ से और हम अजीत आनंद के तरफ से आप सुन के प्रणाम प्रणाम। बिहाने बिहाने।